then listen to me carefully. What is going on? This is terrible. समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं. We want justice. I am going to speak. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी. You are not interested in the bill. मेरा मौका है बोलने का. आप क्यों बोल रहे हैं? आपके बुरे दिन बहुत चल रहे हैं. आप एड्रेस कीजिए शेयर को. आप शेयर को. भलाई घोट दीजिए हम लोगों का. नमस्कार. पिछले साल सदन में दिया गया सपा सांसद जया बच्चन का ये बयान तो आपको याद ही होगा. भारतीय जनता पार्टी पर बरसते बरसते वो ये तक कह गई थी कि बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं, ऐसा मैं श्राप देती हूँ. अब जया का श्राप कितना लगा और कितना नहीं, ये तो 5 राज्यों में से 4 में मिली बीजेपी की जीत ने साफ बता दिया. खैर, बीजेपी की इस जीत ने सपा समेत पूरे विपक्ष को ही बौखलाने का मौका दे दिया है. तभी तो अब जया का एक और बयान सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि बीजेपी को पता नहीं कौन जिता कर लाया है, जनता तो नहीं लाई होगी. दरअसल हाल ही में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और इसी को लेकर रिपोर्टर ने जया बच्चन से सवाल पूछा. इस पर जया ने तपाक से कहा, पता नहीं बीजेपी को कौन चुनकर लाया है, किसने जिताया है, जनता ने तो नहीं जिताया. सुनिए जया बच्चन का बयान. ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अभिषेक अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए. मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी. आपको बता दें जया बच्चन अक्सर बीजेपी के खिलाफ जहर उगलती हुई नजर आती हैं. इस बार जब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का मुद्दा उठा तो जया ने इसे जमकर भुनाने की कोशिश की. इस बार चुनावों में भी जया सपा के लिए जमकर प्रचार करती हुई नजर आई. सपा कैंडिडेट पल्लवी के समर्थन में आवाज बुलंद करते करते जया ये तक कह गई कि बड़ी बहू की लाज रख लीजिएगा. इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती क्योंकि जब अमिताभ जी यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे तब मैंने कहा था मैं आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं, मुंह दिखाई में मुझे वोट दीजिए, मेरे पति को वोट दीजिए. उसके बाद यहां ज्यादा आना नहीं हुआ. आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूं. ये कहती हूं बड़ी बहू का लाज रख लीजिए. पल्लवी पटेल ने भी और जनता ने भी जया की इज्जत रखी और सपा कैंडिडेट को जिता दिया. खैर चलिए अब जाते जाते आपको जया बच्चन का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो बीजेपी को श्राप देती हुई नजर आई थी. एंड इफ यू रियली बिलीव आई एम ऑनरेबल देन लिसन टू मी केयरफुली. वी वांट जस्टिस. डोंट एक्सपेक्ट जस्टिस फ्रॉम देयर बट कैन वी एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू. How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. It's not narcotic bill you are saying. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions baki. You are not interested in the bill. मेरा मौका है बोलने का. आपका मौका है बोलने का नारकोटिक बिल पर. मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए. व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज टेरेबल. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए आपके बुरे दिन बहुत चल रहे हैं. ऑनरेबल मेंबर, यू आर ऑनरेबल मेंबर, बहुत जल्दी आने वाले हैं. अगर आपके अंदर इतनी भी अपने कोलीग्स, यू डोंट हैव टू रिप्लाई टू हिम सर. बात भी ना करने दें. आप एड्रेस कीजिए शेयर को. आप शेयर को चलाइए, घोट दीजिए हम लोगों का. आप लोग चलाइए. क्या बोल रहे हैं आप? मत. What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? I think you are not interested. I am calling the next member. Sir, ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो भी बोल के गए वो आप रखेंगे? आप आपका जो बोला. I expect
you to take action on the comment that he made about me and my children. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the entire country that you don't believe in justice. आप विषय पर बोलिए. He made a personal mark on me. आप विषय पर बोलिए. आप विषय पर नहीं बोल रहे. You, he made a personal mark on me. आप विषय पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे. How dare he do it? You have to protect the house. If you have to fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I'm very sorry.